सभा का कारण क्या है? बदलाव संकल्प सभा, उस सभा के स्लोगन में लिखा है बदलाव यानी परिवर्तन और संकल्प यानी एक इरादा कि हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम आगामी विधानसभा के चुनाव में बदलाव करेंगे। तो बदलाव कहाँ होगा? चुनाव यानी राजनीति, चुनाव यानी राज्य का विधानसभा का चुनाव, चुनाव यानी सत्ता का बनना, चुनाव यानी झारखंड राज्य की तकदीर को बदलना। तो आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा, इस सभा के माध्यम से उपस्थित लोग संकल्प ले रहे हैं कि उसमें बदलाव लाया जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तिकड़मबाजी किया जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में, ऐसे में आप लोग कहां तक सफल हो पाएंगे? जी हम लोग, वे लोग जितना टॉर्चर करेंगे, जितना कूटनीति, जितना कंस्पिरेसी करेंगे, जितनी साजिशों को रचने का कार्य करेंगे, हम लोग उतना मजबूत होके बाहर निकलेंगे और अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। देखिए आरोप नहीं, आपको भी मालूम है कि तमिलनाडु की किस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, किस प्रकार से गलत डेटा के साथ अपना यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो मेरा यही सवाल है कि झारखंड में एक तो माहौल देख रहे हैं कि यहाँ की नौकरियों को अन्य राज्यों के लोग लूट कर लेके जा रहे हैं और आप यहाँ उनकी छाती में चढ़ के इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे, तो ये कह सकते हैं झारखंडियों के गाल पे एक तमाचे के जैसा है। तो इससे अच्छा है कि इस विषय को संज्ञान लेकर प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रोका है, ये एक बढ़िया संदेश। हमें लगता है कि और 4-5 दिनों में पहली सूची जारी हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सूची जारी होगी। अभी बाहर के एक, मतलब बाहरी राज्य के एक नेता है और पत्रकार भी है, वो आपको लेकर के बहुत सारे बयानबाजी किए हैं अलग अलग। देखिए सबसे पहला बात ना, मेरे पास हमें अब उतना समय हम लोग का विधानसभा के चुनाव में नहीं है कि एक बाहर का व्यक्ति आता है हम पे कोई बात करता है, उसको हम, उसके लिए हमारी प्रवक्ता मंडली है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए, लाइव लीजिए, वो उत्तर देंगे। आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाया जाता है कि उनको लगता है कि जरा मातो कहीं उलझा के रख देना है, तो आप वहाँ उलझ के रहेंगे नहीं। 2 महीने का समय है, 2 महीने में हमको पूरा 81 विधानसभा को कम से कम एक एक बार टच करना है, हम उसी मिशन के साथ निकल चुके हैं। आपको डिसीजन का एग्जाम होता है, उस बीच जो इंटरनेट सभा को बंद कर दिया जाता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी देख, इसका मतलब सरकार को शंका है, इसका मतलब सरकार को शंका है कि पेपर लीक हो चुका है या पेपर को हम लोगों ने बेचा है, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं वायरल ना हो, इसलिए। यानी अगर सरकार ने अगर इंटरनेट को बंद किया है तो सरकार को अपने खुद के कार्य प्रणाली पर शंका है, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। किस तरह का कैंडिडेट देना चाहेंगे, क्या मुद्दा रह रहा? देखिए मुद्दा एक होता है स्टेट लेवल का, एक मुद्दा होता है उस क्षेत्र का और एक मुद्दा होता है गांव का। तो इन तीनों मुद्दों को, तमाम मुद्दों को हम लोग एक बिंदु में, एक माले में फिरो कर यहाँ के प्रत्याशी का नाम की घोषणा करेंगे। ये हर एक जगह यही होगा। लगातार 10 दिन का समय देते हैं कि अगले 10 दिनों में हम लोग कुछ कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम घोषणा नहीं। देखिए सबसे पहली बात है, नई पार्टी है, सबकी नजर हम पर है, हमारे प्रत्याशियों पर है, तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा कदम फूंक फूंक के रखना है। हम लोग अभी समन्वय समिति की बैठक चल रही है, उनको समझाया बुझाया जा रहा है। देखिए सवाल का उत्तर दिया जा चुका है और इस पे सवाल हमसे उस दिन कीजिएगा, सबसे पहले उनको बधाई, वो फले फूले जीवन में बहुत आगे बढ़े, लेकिन सवाल का उत्तर हम उस दिन देंगे जब वो अपने संगठन के बाद चुनाव लड़ेंगे और 8.5 लाख वोट उनकी पार्टी ले आएगी। तब हम लोग 8.5 लाख वोट लाए हैं, तो हम लोग अपना उनपे तभी हम लोग बात करेंगे जब वो 8.5 लाख वोट लेकर आएंगे। अचानक से जेपी केसेस से कोई भी नेता चले जाते हैं जो गरीब पैसा और अचानक से पार्टी चेंज कर लेते। देखिए उसमें हम लोग स्वीकार करते हैं, अपनी हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी थी, वहाँ हमारे संगठन से व्यक्तिगत हमसे भूल हुई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पहला चुनाव था, इंसान को परखने में हम लोगों ने भूल किया है, ये सत्य है, इसको स्वीकार करते हैं और विधानसभा के चुनाव में ये भूल ना हो इसके लिए हम लोग अपने जो गुप्तचर है उनको दुरुस्त करेंगे, एक बढ़िया फीडबैक ला के देंगे। अच्छा एक सवाल है सर कि रिजवान क्रांतिकारी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके जगह पे कोई और अभी आप लोगों ने बनाया, तो क्या रिजवान क्रांति ने जो किया है वो सत्यापित हो गया है क्या? लेकिन नहीं, अभी उसकी जाँच चल रही है और चूंकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला और कार्यक्रम रुका था,
क्योंकि उन पर अभी जांच चल रही थी, यानी वो कार्यक्रम में जा नहीं रहे थे। तो इसलिए हमने कार्यकारी दोनों को भी कार्यकारी मनोनयन उनका किया गया है। जांच की रिपोर्ट जैसी आएगी और उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य और बिंदु सामने आएंगे उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे। ऐसे उम्मीद है कि वह कहीं ना कहीं वो संलिप्त ना हो, हम लोग ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं। जयराम महतो का और एक आया हुआ है कि चाइना से कहीं आपका फंडिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप हमारे अकाउंट नंबर को ले लीजिए, जो नया अकाउंट, चूंकि जो भी प्रत्याशी है उनको नया अकाउंट चुनाव के समय बनाना पड़ता है 10 दिन के, मतलब लेटेस्ट नया जांच आप, ये मीडिया का काम है।